हाँ जी तो नमस्कार सभी दोस्तों को आज फिर से स्वागत आपका हमारा यूट्यूब चैनल मेरी वीक में तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे पैटाकाइन डी एस आर के बारे में जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको जानकारी देंगे कि पैटोकाइन डी एस आर जो है इसके क्या आपको फायदे मिलते हैं क्या इसके साइफर्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं क्या क्या इसमें सॉल्ट्स डाले गए हैं और ये सॉल्ट्स कैसे काम करते हैं आपकी बॉडी में तो दोस्तों पूरी जानकारी जो है हम आपको इसे एक छोटी सी वीडियो में देंगे अगर आप दोस्तों चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए तो करते हैं हम दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू तो दोस्तों पैंटा का इंडियासर जो है ये मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इस इस कैप्सूल में क्या है दोस्तों दो सॉल्ट वगैरह डाले गए हैं एक तो है दोस्तों डोमपेरिडोन दूसरा है दोस्तों पेंटापेराजोल डोमपेरिडोन जो है दोस्तों इसमें तीस एम डाला गया है और पैंटा जो है इसमें चालीस एम डाला गया है तो दोस्तों तीस बटा चालीस सॉल्ट जो है इसमें डाले गए हैं पेंटा प्लस डोमपेरिडोन अब बात करते हैं प्राइस की दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो प्राइस है दोस्तों लगभग इसका दस कैप्सूल की पैकिंगा एक सौ दस रुपये के करीब ओके अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में तो दोस्तों इसका उपयोग जो है बदजिमी का इलाज करने के लिए किया जाता है और जट और जटर सोथ का उपचार करने के लिए किया जाता है और एसिड रिफ्लक्स का उपचार करने के लिए, के लिए इस कैप्सूल का उपयोग जो है किया जाता है पेंटाकाइंड डी एस आर कैप्सूल का ठीक है तो दोस्तों गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स रोग क्या है कि एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें पेट में एसिड का अत्यधिक उत्पादन होता है तो पेंटा डी आपके कैप्सूल क्या है आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है और सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है ठीक है सेकेंड पॉइंट है इसका अपच का उपचार करने के लिए अपच क्या है दोस्तों की कैप्सूल है बेहतर बेहतर पाचन तंत्र क्रिया को बढ़ावा देकर और गैस्ट्रिक एसिड उत्पादन को कम करके अपच के, के लक्षणों से प्रभावी ढंग से संबोधित करता है यह अपच के कारण गैस्ट्रोस्ट्राइनल असुविधा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को राहत और बेहतर आराम प्रदान करता है ठीक है तो ये थी जानकारी दोस्तों पेंटाकाइन डी के उपचार उपयोग के बारे में अब दोस्तों बात करते हैं पेंटाकाइन डी के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पेट दर्द पेट फूलना दस्त चक्कर आना सर दर्द और मुंह में सूखापन तो ये जो साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पेंटाकाइन डी एस आर के उपयोग के दौरान वैसे दोस्तों ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए हैं ये आपकी बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे अब जैसे जैसे हमारी बॉडी जब दवा के साथ तालमेल बिठा लेगी तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक हमारी बॉडी में बने रहे हैं हमें लंबे समय तक परेशान करें तो हमें अपने डॉक्टर से जो है जरूर सलाह लेनी चाहिए ओके अब दोस्तों बात करते हैं कि पेंटाकाइन डी एस आर कैप्सूल जो है ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में तो दोस्तों पेंटाकाइन डी एस आर कैप्सूल क्या इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन डाला गया है डोमपेरिडोन और पैंटापेराजोल डोमपेरिडोन दोस्तों एक प्रो प्रोन डोमपेराडोन दोस्तों एक प्रोकनेटिक है जो पेट और आंतों की गति को बढ़ाने के लिए ऊपरी पाचन तंत्र पर काम करता है जिससे क्या दोस्तों भोजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ पाता है और पैटापैराजोल क्या है दोस्तों एक प्रोटॉन पंप अवरोधक है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिड से संबंधित अपच और में जलन से राह दिलाने में मदद करती है तो इस प्रकार दोस्तों काम करता है पेंटाकाइन डी कैप्सूल हमारे बॉडी में तो ये थी जानकारी दोस्तों पेंटाकाइन डी कैप्सूल के, के बारे में अगर आपको जानकारी इसलिए हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो दोस्तों वो वीडियो को आप कर लीजिए लाइक एंड चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत